हेलो स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू कर रहे हैं कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 8 चैप्टर 2 एक्सपोनेंट्स एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज x रेज टू द पावर a अपॉन x रेज टू द पावर b होल रेज टू द पावर 1 बाय ab, x रेज टू द पावर b अपॉन x रेज टू द पावर c होल रेज टू द पावर 1 अपॉन bc, x raised to the power c upon x raised to the power a whole raised to the power 1 upon ca is equals to 1। हमें इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड को 1 के इक्वल प्रूव करना है, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन लॉ हम यूज करेंगे, x एंड x सेम बेस है, बेस सेम हो और डिवाइड में अगर हो तो पावर्स माइनस होती हैं। सो x raised to the power a minus b whole raised to the power 1 upon ab। Similarly, x raised to the power b minus c whole raised to the power 1 upon bc. And last, x raised to the power c minus a whole raised to the power 1 upon ca. Now, power law use कर रहे हैं. x एक base है जिसपे दो powers work कर रही हैं, a minus b and 1 upon ab. Same base पे दो powers होती हैं तो multiply होता है. So, x raised to the power a minus b multiplied by 1 by ab. Similarly, x raised to the power b minus c multiplied by 1 by bc. And x raised to the power c minus a multiplied by 1 upon ca. इसे हम लिख सकते हैं, x raised to the power a minus b upon ab, x raised to the power b minus c upon bc, x raised to the power c minus a upon ca। अब अगर हम देखें तो यहाँ तीनों बेस सेम है, x, x एंड x, और प्रोडक्ट लॉ के हिसाब से अगर सेम बेस पे अलग अलग पावर्स हो तो वो आपस में एड होती हैं। सो x raised to the power a minus b upon ab plus b minus c upon bc plus c minus a upon ca। अब इसे फर्दर सॉल्व करने के लिए हमें ए बी बी सी एंड सी ए का एलसीएम देना पड़ेगा। डिनोमिनेटर्स जनरली नंबर्स होते हैं और हमें नंबर्स का एलसीएम लेना आता है, बट यहाँ हमारे पास डिनोमिनेटर वेरिएबल्स हैं, तो अगर डायरेक्टली देखें तो ए बी बी सी एंड सी ए का लीस्ट कॉमन मल्टीपल ए बी सी होगा, बट इन केस नहीं आता तो प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से हम एलसीएम निकालते हैं ए बी बी सी एंड सी ए का। पहले ए से ट्राई करते हैं, ए बी टाइम्स ए बी, बी सी में ए नहीं है तो एज इट इज, एंड ए सी टाइम्स सी ए। नेक्स्ट बी से ट्राई कर रहे हैं, बी वन टाइम बी, बी सी टाइम बी सी एंड सी एज इट इज। लास्ट सी से कर रहे हैं, बी का वन एज इट इज, नाउ सी वन टाइम सी एंड अगेन सी वन टाइम सी। सो ए इंटू बी इंटू सी इज अवर एलसीएम। तो डिनोमिनेटर हमारे पास आ गया ए बी सी। अब फर्स्ट टर्म है ए माइनस बी अपॉन ए बी, तो ए बी का ए बी सी तब बनेगा जब ये सी से मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली नेक्स्ट में बी सी का ए बी सी तब बनेगा जब ये ए से मल्टीप्लाई होगा, एंड सी ए का ए बी सी तब बनता है जब ये बी से मल्टीप्लाई होता है। सो वी कैन राइट सी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय बी माइनस सी प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय सी माइनस ए। फर्दर ब्रैकेट ओपन करते हैं, x रेज टू द पावर होल अपॉन ए बी सी एज इट इज लिख लेते हैं पहले, सी ए माइनस सी बी प्लस ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस बी ए। ब्रैकेट के बाहर जो जो टर्म थी हम अंदर मल्टीप्लाई करते गए हैं। नाउ एक पॉजिटिव सी ए है, एक नेगेटिव ए सी है, दोनों आपस में कैंसिल, सी बी एंड बी सी कैंसिल, एक प्लस एक माइनस होता है तो कैंसिल हो जाते हैं, ए बी एंड नेगेटिव बी ए कैंसिल। इसे सॉल्व करने के बाद मैक्सिमम बच्चे इसे लिख देते हैं x रेज टू द पावर 1 अपॉन ए बी सी, बट अगर हम देखें तो न्यूमरेटर पूरा ही कैंसिल हो चुका है, दैट मीन्स 1 की जगह हमें 0 यूज करना पड़ेगा। सो x रेज टू द पावर 0 अपॉन ए बी सी, नाउ 0 अपॉन ए बी सी आंसर 0 हो जाएगा। So x raised to the power 0 which is equals to 1 equals to RHS। ये याद रखना है 0 upon 2 अगर है तो उसका आंसर 0 आता है, बट इसका रिवर्स है 2 upon 0 तो वो इन्फिनिट होता है।
सेकेंड पार्ट इज 1 upon 1 plus x raised to the power a minus b plus 1 upon 1 plus x raised to the power b minus a is equals to 1. अगेन लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके हमें RHS के इक्वल प्रूव करना है, दैट इज 1 करना है. 1 upon 1 plus x raised to the power a minus b. x raised to the power a minus b हमारे क्वेश्चन लॉ की राइट हैंड साइड है, इसकी जगह यूज कर सकते हैं x raised to the power a upon x raised to the power b, क्वेश्चन लॉ की लेफ्ट साइड, प्लस 1 upon 1 plus सिमिलरली xb upon xa लिख लेते हैं. नाउ अगर डिनोमिनेटर का एलसीएम लें तो x raised to the power b आएगा, सो वी कैन राइट x raised to the power b प्लस x raised to the power a अपॉन x raised to the power b. ये x raised to the power b न्यूमरेटर में हम शिफ्ट कर सकते हैं, प्लस 1 अपॉन अगेन डिनोमिनेटर 1 और x raised to the power a का एलसीएम ले रहे हैं तो x raised to the power a आ रहा है, सो x raised to the power a प्लस x raised to the power b अपॉन x raised to the power a. नाउ डिनोमिनेटर्स के जो डिनोमिनेटर आए हैं दैट इज एक्स बी एंड एक्स ए, ये न्यूमरेटर में ऊपर आ जाएंगे, सो एक्स रेस टू द पावर बी अपॉन एक्स रेस टू द पावर बी प्लस एक्स रेस टू द पावर ए प्लस एक्स रेस टू द पावर ए अपॉन एक्स रेस टू द पावर ए प्लस एक्स रेस टू द पावर बी. सॉल्व करते हैं फर्दर, डिनोमिनेटर कॉमन है अब दोनों का, सो न्यूमरेटर एड हो जाएंगे, न्यूमरेटर में लिखेंगे एक्स रेस टू द पावर बी प्लस एक्स रेस टू द पावर ए. नाउ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर सेम, सो कैंसिल करते हैं, वन टाइम कैंसिल हो जाएंगे, विच इज इक्वल्स टू आर एच एस.